और ये हम लोग करेंगे इसमें डिप। ओए होए 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 बहुत टाइट बन गया ये, बहुत टाइट। अच्छा इसमें जो एक पीते हुए सॉफ्टनेस आ रही है ना एक शेक की, वो बड़ी टाइट लग रही है। हे गाइस गुड मॉर्निंग, वेलकम टू माय न्यू व्लॉग। आज के दिन में मैंने सोचा था कि यार मैं ना आज कुछ अलग करूंगा सुबह उठ के ना। मतलब मैंने रात में ये सोच के सोया था कि मैं सुबह 7 या 8 बजे उठूंगा और पार्क जाऊंगा सबसे पहले जूते पहन के और वहाँ पे रनिंग करूंगा। या मैं अपना दिन ना कैश करना चाह रहा था, मतलब कुछ क्रिएटिविटी लाना चाह रहा था अपने अंदर। लेकिन फिर जब मेरी आँख खुली ना सुबह तो टाइम हो रहा था 2। मैंने बोला यार अपने से नहीं हो पाएगा ये। फिर मैंने अभी सोचा यार अभी भी कोई दिन गया नहीं है, अपने पास कुछ टाइम है थोड़ा सा क्रिएटिविटी करने का। तो आज हम लोग बनाने वाले हैं कुछ नया, घर ही में बनाएंगे। जो हमने आज से पहले इस चैनल पे नहीं करा है वो आज हम इस चैनल पे करने वाले हैं। मतलब कि आज मैं अपने चैनल में बनाने वाला हूँ मछली। अच्छा अपनी जो मछली है ना मैंने उसको फ्रीजर में रख दी थी फॉर 10 मिनट्स। तो ये अपनी रखी है मछली, आ कच्ची मछली भी इतनी टाइट लग रही है कि दिल जा रहा है इसी को खा लूँ मैं। अच्छा इस मछली का जो नाम है ना ये है कुंड मछली। मैंने आज पहली दफ़ा इसका नाम सुना है, वरना मुझे पता नहीं था, वरना मैंने आज से पहले खाई है। अपने पास क्वांटिटी बहुत थी तो मैंने इतनी ली है। मैंने बोला यार इतना भी बहुत है। सबसे पहले हम लोग इसमें डालेंगे 4 स्पून कम से कम ऑयल। ये अपना ऑयल आ गया। अब हम लोग डालेंगे इसमें मछली। तेल को भी मैंने इतना गर्म कर लिया ना, मतलब 5-10 मिनट मुझे लग रहा है कि एवोपरेट हो गया शायद। देखते हैं। अच्छा एक और चीज़ खा रहे हैं कि मुझे ज़्यादा नहीं खानी है, पर थोड़ी सी खाऊंगा ना। बाकी अब ये वाला पीस ले लेते हैं, काफ़ी अच्छा लग रहा है। बाकी अब हम लोग वापस उसमें रख देंगे डीपी रेवल। थोड़ा सा पलट के देखते हैं क्या होता है। ओए होए 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 क्या टाइट लग रही है ना मछली इस वक्त, मुझे दिल चाह रहा है खा जाऊंगा अभी निकाल के। अच्छा मछली जब पकाते ना तो तेल का बड़ा छींटों का मुझे डर लगता है, 1-2 छींटे आएंगे बड़ा डर लगता है। मछली की जो सूरत आ रही है ना वो अभी वो कुछ इस तरीके की है। मजा आ गया यार। क्या लग रही है यार, ओए होए 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 मजा आ गया देख के तो। अच्छा जी तो हमारी यहाँ पे अब मछली तैयार है। ओए होए 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 यार ये अलग ही कुछ ना मतलब नजर आ रहा है मुझे। और मैंने यहाँ पे थोड़ा सा केचप भी ले लिया ताकि ना थोड़ा टेस्ट भी अच्छा लगे। तो हम लोग पहला एक बाइट लेंगे कि मतलब बनी कैसी है भाई। तो ये हमने छोटा सा एक पीस ले लिया और ये थोड़ा सा केचप है और ये हम लोग करेंगे इसमें डिप। ओए होए 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 खुदा की कसम मैं झूठ नहीं बोल रहा, बहुत टाइट बनी है, बहुत टाइट बनी है। और मसाला भी मम्मा ने बहुत अच्छा लगाया था उस पर, बहुत बेहतरीन है यार। और ये केचप के साथ जो लग रही है ना, ओए होए 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 मज़ा आ गया बहुत। जो एक अलग ही टेस्ट आ रहा है ना मैं बता नहीं सकता कसम से। मुझे लग रहा है आपको झूठ लग रहा होगा, मैंने किमाड़ी वाले राशिद भैया को मुझे लग रहा है मैंने पीछे छोड़ दिया। ये ओए होए बट ये मेरे पास बहुत टाइट बन गई, ये बहुत टाइट। अच्छा तुम लोगों को ऑनेस्ट रिव्यू चाहिए ना, आओ मैं ऑनेस्ट रिव्यू देता हूँ तुम लोग। फातिमा इसमें से एक उठाओ और खा के बताओ कैसी है। ऑनेस्ट रिव्यू देना है बिल्कुल ना, सही है कोई सी भी ले लो, इतनी सी थोड़ी सी और लो। एक कैसी है, है। पक्का ना मैं कैसी बनाई है, तुम भी नहीं बना सकती ऐसी। चलो अपना मछली का सेशन तो पूरा हो गया, अब ना थोड़ी शक्ति शक्ति सी लग रही है, प्रोटीन आ जाता ना फिर ना। अच्छा जी तो अब हम लोग जाने वाले हैं शेक पीने के लिए। मैंने बोला यार अब इतना प्रोटीन लिया तो थोड़ा सा और ही ले लेते हैं।
तो कराची का बेस्ट शेक तो मैं उसको नहीं कहूँगा, लेकिन मेरी नज़र में वो अच्छा शेक है, मतलब मेरे लिए तो काफ़ी बेस्ट है क्योंकि मैं वहाँ का रोज़ पीता हूँ। हो सकता है कराची में बहुत अच्छी अच्छी जगह हो, लेकिन जहाँ का मैं पीता हूँ ना, मैं आपको वहाँ लेके जा रहा हूँ। मैंने ऑर्डर किया है चीकू शेक, बाल तो सही कर लो अपने। अच्छा, मैंने यहाँ का हमेशा मैंगो शेक पीता हूँ, आज मैंने चीकू ऑर्डर किया क्योंकि मैंगो ना मौसम के हिसाब से चलता है, वो ख़त्म होते जा रहे थे, इन लोगों ने मैंगो बिल्कुल ही ख़त्म कर दिया, तो मैंने चीकू ऑर्डर किया। मैंने ना यहाँ के अच्छे खासे फ्लेवर्स ट्राई किए हैं, आज मैं पहली दफ़ा चीकू ट्राई करने वाला हूँ। ना चीकू फ्लेवर आ गया यहाँ पर, थैंक यू। ओए होए 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 होए, टाइट लग रहा है, कैसा है? ओके, तब हम लोग ट्राई करेंगे। अरे टाइट हो गया, ट्राई करो ट्राई करो, मुझे तो बहुत टाइट लग रहा है ना। अच्छा, इसमें जो एक पीते हुए सॉफ्टनेस आ रही है ना एक शेक की, वो बड़ी टाइट लग रही है। टाइट यार, टाइट यार। कैसा है? है ना, टेस्ट में तो मैं इसको 10 out of 10 दूंगा, लेकिन प्राइस में मुझे नहीं पता कि सही है नहीं सही है, आप मुझे नीचे कमेंट करके मुझे बताना है। इसके प्राइस है 160 rupees। सबसे ज़्यादा चीज़ जो मज़ा करा रही है ना, वो इसकी सॉफ्टनेस है पीते हुए, और काफ़ी मज़ा आ रहा है पीते हुए। चलो चलो भाई, अब अजान भी हो गई और मैंने भी पी लिया, बाकी ये पी लेगा, अब हम लोग चलते हैं घर। अच्छा जी, तो ये था हमारा आज का एक फूड ब्लॉग, या आप इसको जो भी नाम देना चाहें। खैर, बस आज का ब्लॉग इंप्लीमेंट करते हैं। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आए तो लाइक जरूर कर देना, चैनल पर नहीं तो सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू सो मच गाइस फॉर वॉचिंग माय वीडियो। अल्लाह हाफिज़।